भीड़ का हुजूम आ गया है, मानो एक कुंभ का मेला बन गया है। भीड़ का एकदम हुजूम है, इधर उधर क्रिस क्रॉसिंग, चार पांच प्रोटेस्ट एक साथ चल रहे हैं। जंतर मंतर पे आज भीड़ है, आज लोकतांत्रिक ताकतों को हराने के लिए। महल कांदे जिंदाबाद, महल कांदे जिंदाबाद, देश का अमर शेर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकतंत्र पे अटैक हो रहा है सर, गुस्से में आइए, लोकतंत्र पे अटैक है, गुस्सा दिखाइए ना यार, लोकतंत्र पे अटैक हो रहा है। चेहरों पे चढ़े हुए दिखाइए कैमरा पर्सन तहरीम, लोकतंत्र बचाने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे सांसद हैं जो जानते हैं संसद तो हो पर सवाल ना हो, तो ऐसा घबराया हुआ ये 56 इंच का गुब्बारा जिसकी हवा निकल गई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। नारा वारा लगाओ, नारा नारा कम ऑन, नारा तो लगा। ये तो बड़ा ही फीका जनरलाइज, 1885 में भी यही नारा था, आज भी यही है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मॉडर्नाइज करो ना, हो लोकतंत्र जो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है 2023 के अंत में, उसको बचाने के लिए जो रैली आयोजित की गई है उसमें हम आ गए भैया, अपनी बेहूदी अल्लड़पन वाली हरकतें करते हुए आप लोगों को अपने को थोड़ा जागरूक बनाने, थोड़ा ये दिखलाने कि इंडिया में थोड़ी बहुत जितनी भी है अभी भी थोड़ी ऑपोजिशन बची है। 22 दिसंबर का ये दिन है, जंतर मंतर का ये मंजर है, अनफिल्टर्ड वॉइस अंग्रेजी चैनल है, आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब है, कीजिए सब्सक्राइब, देखिए वीडियो। जी जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बचाने आए लोग, CPR चल रहा है। लोकतंत्र लेटा है, उसका CPR चल रहा है। सोच के तो देखो, अब्सर्डिस्ट थिएटर हो जाएगा। ओह मैन, नहीं नहीं ऐसा सब नहीं बोलना भाई, ठीक ठाक जोक मारो वरना सस्पेंड हो जाओगे, क्या पता हम ही को सस्पेंड कर दे, क्या पता आप ही सस्पेंड हो जाओ साहब, ठीक से चलो, कुछ भी हो सकता है आज की डेट में। अच्छा इधर एक और प्रोटेस्ट चल रहा है क्या? जंतर मंतर की खास बात है ना कि दो तीन प्रोटेस्ट साथ में चल सकते हैं। रहने दो, हम दिखा भी देंगे तो हमारे एडिटर साहब नहीं रखेंगे। मेघालय की किसको पड़ी है ये, वो भी मेघालय में टीवा कम्युनिटी सिख शेड्यूल मांग रही है। सिख शेड्यूल अगर मैं अभी एक्सप्लेन करने बैठूं तो यार, ट्राइबल्स की लोकल ट्रेडिशन, लोकल नॉर्म्स, लोकल कन्वेंशन सेफ गार्ड करने के लिए संविधान में कुछ रखा गया है, अब डिटेल करनी हो थोड़ा गूगल कर लेना। यहाँ वो प्रोटेस्ट चल रहा है। सुरेंद्र जी कितनी भीड़ आने वाली है आज है? फिर भी एक आइडिया तो होगा कि 1,000, 5,000, 10,000, लेकिन तैयारी है फुल। वेरी गुड, हमेशा की तरह दिल्ली पुलिस सवालों से बचते हुए। कुछ बताइए ये क्यों रैली हो रही है, क्यों ये गलत है MPO का सस्पेंड होना? हमारी जो नादान ऑडियंस है जो पॉलिटिक्स नहीं देखती उनके लिए बताइए। देखिए ऐसा है कि अगर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है जी, तो अगर आप हमारे नुमाइंदों को सस्पेंड कर देंगे तो हमारी बात वहाँ कौन कहेगा, कौन लड़ेगा हमारी, हम तो नहीं जाएंगे ना वहाँ। सही बात है, तो हमारी आवाज कोई आप दबा रहे हैं, हमारी आवाज दबा रहे हैं, उनका क्या तो जमहूरियत को ही मार दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, राज्यसभा के स्पीकर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी मिमिक्री कर रहे हैं। हाँ। ऐसे थोड़ी होता है, बुरा मान गए वो, बुरा मान गए, लेकिन जब खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा था। हाँ। तब उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, तो ये रहा, जैसे देख रहे हैं कि खिलाड़ियों की क्या दशा है। जंतर मंतर को ही आपने कनेक्ट कर दिया, साक्षी मलिक जी तो रिटायर ही कर गए। आप खुद सोच सकते हैं कि कितना गलत हो गया कि उनको जो है कि रिटायरमेंट लेना पड़ा है इस मौजूदा सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये कितना दुखद है, अगर इसी तरह हर एक खिलाड़ी जाते रहेंगे तो हमारे मेडल कब आएंगे? तो सरकार को ये सोचना होगा, सरकार को अगर नहीं सरकार चला पा रही तो जो है कि मोदी जी है कि अपना इस्तीफा दे दें। हाँ, ऐसी मांग कर दी आपने, आपका नाम बताइए। अविनाश तिवारी। चिट्ठी पे लिख देंगे इस्तीफा दीजिए मोदी जी? अरे कह दिया जा रहा है भाई, नहीं चला पा रहे हैं तो कांग्रेस की सरकार लाइए। नहीं चला पा रहे, नहीं चला पा रहे हैं, इस तरह से सांसदों को जो है कि निलंबित कर देना और हर एक बिल पास कर देना, ये अच्छी वो थोड़ी कर रहे हैं, वो तो स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट मोदी जी के सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं, ऐसा है। जोरदार तालियों से लवली जी का स्वागत करेंगे, जोरदार करो ना, 3 दिन से लवली जी रात ताली मारो, एक एक गली में दोस्तों, झा जी हमारे मोदी बुलाएंगे, राज्यसभा के सांसद जो बहुत अच्छे वक्ता भी है, सस्पेंडेड है, बीजेपी के हमारे बीच पहुंच गए, उनका जोरदार तालियों से मनोज झा जी का स्वागत करेंगे। आइए दिल्ली प्रदेश में मजा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है। हमारे देश में 90% लोग अनऑर्गेनाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी आप भाजपा की रैली देखेंगे ना, ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये तो आप देना पड़ेगा आपको उन्हें।
इतना क्रेडिट तो दे ही दीजिए। भाजपा की रैली ऑर्गेनाइज हो सकती है वो सिलेक्टिव लोगों के लिए, पब्लिक ऑर्गेनाइज नहीं है। ठीक है, आप अगर ये कहना चाहते हैं आपकी बात रख देंगे हम आगे, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। नहीं, आप खुद सोच के देखिए, हमारे देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर? अरे वो नहीं बोल रहा हूँ मैं भीड़ का फोकस ना होना बोल रहा हूँ। भीड़ का फोकस नहीं है अभी, इसीलिए तो डेमोक्रेसी बहुत कम लोगों को समझ आती है। ये हुई ना बात, ये हुई ना दिल की बात। यहाँ 140 एमपी सस्पेंड हो गए और ऐसे ही देश चल रहा है। हास्यास्पद बात है, अब्सर्ड बात है, एकदम अब्सर्ड ही बात है ना। बिल्कुल है, और क्या, ये चीज समझना बहुत मुश्किल है और समझाना भी बहुत मुश्किल है। ये बात भी ठीक है, पर यही तो ऑपोजिशन का काम ही यही है। ऑपोजिशन का काम है, अब इस चीज को पता है कुछ अलग ही मैटर चल गया है इस देश में। क्या चल रहा है अब यहाँ पे? धर्म जाति इतना ज्यादा चल गया है ना। पर ये बात कब तक बोलते रहोगे यार आप लोग, यही बात कर रहे हो 10 साल से। कुछ तो निकालो इसका तोड़। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम काले अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा। काले अक्षरों में? काले अक्षरों में। क्यों? क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। क्या 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 क्या? जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। एक बार जोर से नारा लगा दो। कांग्रेस पार्टी नहीं, नहीं, यही वाला जो नारा ना, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ऐसी बात है, सच में? बिल्कुल, सारा देश जानता है। पिछले वर्षों से यही हो रहा है, 2014 के बाद हो क्या रहा है? अरे उन्होंने G20 कराया, देश का नाम रोशन करा दिया। तुमको सर अपनी G20 की बात छोड़िए, 9 महीने से ज्यादा अपनी बीवी को नहीं रख सका, वो G20 की बात छोड़िए, देश को वही चलाता है जो पहले अपने घर को सही चलाता है। ये तो पर्सनल हो गए, कितना पर्सनल हो जाइए। सोनिया गांधी के बारे में पर्सनल, बार बाला कहता है सोनिया गांधी को वो पर्सनल नहीं है। बार बाला कहता है सोनिया गांधी को वो पर्सनल नहीं है। राहुल गांधी को पप्पू बनाते हैं वो पर्सनल नहीं है। और तुम तुम्हारी बीवी को साथ नहीं रख सके वो पर्सनल है। तुम तुम्हारी बीवी को साथ नहीं, बच्चा पैदा नहीं कर सके वो पर्सनल है। अरे बड़ा पर्सनल हो गया यार। तुम देश में मदारी नामा कर रहे हो। आज तक देखा गया लोकतंत्र में कि कभी विपक्ष को एकदम खत्म करने की चाल चली जा रही है? 2 घंटे 1 घंटे सभी जगह हुआ है कि विपक्ष को 2 घंटे के लिए सस्पेंड किया गया है। ये चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहे, कोई भी इनकी सरकार का आदमी भी आवाज उठाता है। वसुंधरा ने थोड़ा सा खिलाफ चला, वसुंधरा को निपटा दिया। शिवराज खिलाफ चला, शिवराज को निपटा दिया। अब ये चाहते हैं कि विपक्ष को भी इसी तरह निपटाए और यह तानाशाही, इस तरीके के लोकतंत्र में तानाशाही चलाए कि मोदी देवता, मोदी भगवान, कोई पीछे नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस सच में कुछ कर पाएगी आपकी पार्टी? कांग्रेस कर पा रही है, और क्या करना, नाक में दम कर रखे है, ईंट से ईंट बजा के रख रखी है कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस नहीं होती तो मायावती की तरह लोग समझौते कर लेते। नारा लगाओ, चलो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद राहुल गांधी। ये तो बहुत पुराना नारा है, कोई नया नारा लाओ ना। अरे सर अब नए नारे नहीं लगाएंगे, अब तो लोकसभा चुनाव में नया परिवर्तन करके दिखाएंगे। नारों से क्या होने वाला है? इस बार जो लोकसभा उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजा देंगे। अब इनकी जनता समझ चुकी है, ये जो धर्म की गुंटी जनता समझ चुकी है। धर्म जरूरी नहीं है, धर्म जरूरी नहीं, देश और लोकतंत्र जरूरी है। हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारी पुश्तैनी पीढ़ियां है, वो पुश्तैनी पीढ़ियां इंडिया में रहती है, पुश्तैनी पीढ़ियां हमारा सब मिलजुल के एक जगह पे रहती है, एक गार्डन पे रहती है, एक दूसरे के घर आना जाना, एक दूसरे के साथ खाना पीना। 2014 के बाद बच्चे स्कूल में जब पढ़ते हैं तो बच्चे भी ये कहते हैं मुसलमान है, हिंदू है। उसे क्या डिमांड किया कि भाई सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, होम मिनिस्टर को आके स्टेटमेंट देना चाहिए, यही कहा ना? क्या जब पार्लियामेंट चल रहा है आप जाके बाहर बोलते हो, आप जाके बाहर
अहमदाबाद में बोलते हो, आप जाकर के बनारस में बोलते हो, पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते? पार्लियामेंट हमारा ऐसा थोड़ी चलता है डेमोक्रेसी में भाई। ये एक परंपरा है, एक रूल है कि आपको यदि पार्लियामेंट चल रहा है तो आप जो कंसल्ट मिनिस्टर हैं डिपार्टमेंट के, ही कैन नॉट स्पीक आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। पार्लियामेंट सेशन में है। इतनी टेक्निकलिटी थोड़ी समझेंगे ये लोग? नहीं समझेंगे तो ठीक है, जनता को ये तो समझाना है लोगों को। चलिए लोग क्यों आए, जनता समझ क्यों नहीं पा रही, बात तो यही है। आप लोग समझाइए, यही सच्चाई जो है बाहर आ जाती है। बताओ हनी सिंह, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ना। आप लोग की पेमेंट वेमेंट ठीक से हो रही है? पेमेंट वेमेंट ठीक से हुई है, वेरी गुड। चलिए ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा लास्ट में भैया मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिप्लाई आया था। अच्छा। तो उन्होंने कहा है कि मेरी रिक्वेस्ट को ईसीआई को भेजा गया है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद भैया प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस में भी एक्नॉलेज होकर आया था। आप क्यों चाहते हैं कि 16-17 साल के लोग क्यों वोट दें? कारण ये है भाई, सूक्ष्म में यही है कि इजराइल, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया काफी देशों ने कर दिया है और मैं चाहता हूँ अपने लोगों के बच्चे जो अपने माँ बाप के नाम का सिम कार्ड यूज कर सकते हैं मोबाइल में, तो वो इतने स्मार्ट तो है कि वोट भी दे सकते हैं। और यूएन में भी कहा गया है कि धीरे धीरे वोटिंग एज को कम किया जाए। चलिए अच्छी बात है, होना चाहिए, अपने अपनी बात रखते रहना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ टिकट लगा देते, 5-5 रुपए की पार्टी की कमाई भी हो जाती। बहुत ही फनी बात नहीं है कि 140 एमपी को सस्पेंड कर दिया? मुझे लगता है कि इज़न्ट इट अब्सर्ड? हाँ बताइए क्यों अब्सर्ड है? कि डेमोक्रेसी का अपमान है, डेमोक्रेसी कहते हैं कि ये तो एक तो सीरियस करने की स्पेस जो देना बहुत जरूरी है ना, वो शायद हटा दी गई। हम खुद लॉ के स्टूडेंट्स हैं। ओके 150 एमपीस को हटाया, उसके बाद 3 लॉ जो आईपीसी जो था उसको चेंज करके जो बिल आया उसको पास किया गया। तो लॉ हमसे इस लॉ के स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर आप कोई लॉ पास कर रहे हो उसके लिए आपको डिबेट एंड डिस्कशन बहुत जरूरी है। यही तो ये तो आपको लग रहा है ना, उनको नहीं लग रहा, उसमें क्या है? यही तो डेमोक्रेसी का अपमान है ना कि सबको, पर इन अ डेमोक्रेसी दे हैव द मेजोरिटी, उनके पास तो मेजोरिटी है, उनको आपकी क्या जरूरत है? हम लोगों ने उनको वोट देके उनको मेजोरिटी दी है। मेजोरिटी देने का मतलब ये नहीं होता कि आप माइनॉरिटी को स्पेस मत दो बोलने के। अच्छा मतलब मेजोरिटी कितनी, अगर आप देखेंगे उनका वोट परसेंटेज 100% तो वो तो हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में चलते, लोकतांत्रिक देश में दी है, तानाशाही देश में नहीं। तानाशाही देश में वोट देने के बाद वो प्रधानमंत्री जिन्होंने वोट दिया उनके भी है, नहीं दिया उनके भी है। ठीक बात है, तो रिप्रेजेंटेशन सबका होना जरूरी है। ठीक है, जीतने के बाद ऐसा मतलब नहीं है कि 5 साल के लिए आप कुछ भी कर सकते। तो आप लोगों को गुस्सा आ रहा है, हंसी आ रही है, क्या क्या लग रहा है आपको इन बातों में? मौकरी हो रही है, पूरे मौकरी है। लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं बताइए साहब? है तो है, एमपी सस्पेंड हो जा रहा है, अब कल को प्राइम मिनिस्टर सस्पेंड हो गया था। वो तो सस्पेंड हो सकते थे लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग का वो ला दिए ना, वो सुप्रीम कोर्ट का जज रहता ना तब फिर हो सकते थे, पॉसिबिलिटी मिटा देते है ना। लेकिन फनी बात नहीं कि 140 एमपी मतलब क्या चल रहा है? कुछ भी चल रहा है। थोड़ा नारा लगाते हुए आइए, ऐसा लगे ना कि रैली में, ऐसा लग रहा है पार्क में वॉक हो रही है। हेलो जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, ऐसा लग रहा है मैं बाराती हूँ। हम लोकतंत्र के चौकीदार। इससे ज्यादा तो उन्हें 140 एमपीओ ने ही शोर मचा दिया था, इससे अच्छा तो वो टीएमसी वाली जी को बोलिए जगदीप जी थोड़ी मिमिक्री करें, थोड़ा हंसी गुल्ला हो, खत्म करो। This is just पावन और पवित्र आत्मा। और फिर ये सब दिखाओ तो कांग्रेस वाले बुरा मान जाएंगे कि हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू डू दिस, यू हैव टू शो अस इन द राइट वे। अरे भाई जो कर रहे हो वही ना दिखाएंगे, तुमसे नहीं मैनेज हो पा रहा, नहीं प्लानिंग हो पा रही तो कैसे दिखाएंगे? इस शहर की जो सबसे बड़ी पार्टी है, आप ही लोग बताइए, उसकी एक भी प्रेजेंस दिख रही है अभी? वो भी तो अलायंस की मेंबर है कि नहीं कार्तिक? इस शहर में, इस राज्य में, वट एवर यूटी, वट एवर द कॉल इट, जिसकी सरकार है उसकी तो प्रेजेंस ही नहीं है यहाँ पे। आप अपना कुछ दुख दर्द बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस देश में जो लोकतंत्र चल रहा है वो ठीक हिसाब से नहीं चल रहा। ये जनता के नुमाइंदे थे जिनको संसद से सस्पेंड किया। एक एक नुमाइंदा लगभग 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और वो संसद में, चाहे वो राज्यसभा है, लोकसभा है, वहाँ जाके 20 लाख लोगों की बात
की नुमाइंदगी करता है, उस बात को रखता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को इतने मास लेवल पे सस्पेंड किया जाएगा तो ये लोकतंत्र की हत्या के बराबर। किनकी गाड़ी चलाते हैं सर, थोड़ा आप बताइए। मैं तो फॉर्चुनर गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, नहीं कौन है गाड़ी? नहीं गाड़ी ऐसे तो देखो जी, ऐसे अच्छा, तो कभी आप चल पड़ो मेरी गाड़ी में तो ऐसे है जी, हम तो ऐसे। लेकिन आपने जो लोकतंत्र की हत्या की बात बोली वो बहुत जरूरी थी। हाँ नहीं, और कुछ आप पूछना चाहें तो और पूछ लीजिए। सर ये अब्सर्ड एकदम हास्यास्पद बात नहीं है कि इतने एमपी एक साथ सस्पेंड हो जा रहे हैं? नहीं, एक आदमी में गलती हो, मान लो मेरे अंदर गलती हो जाएगी, मैं कोई कानून तोड़ता हूँ तो मेरे ऊपर सजा हो जाएगी दूसरा। लेकिन अगर मास लेवल पे कोई चीज हो रही है तो ये डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट जाहिर करने का एक तरीका है। हाँ, डेंजरस है, इट इज डेंजरस टू डेमोक्रेसी। जो आपका अगर इफ यू फ्री एक्सप्रेशन नहीं है, अगर आप अपनी बात कह रहे हैं उसको बात को सुन नहीं रहा कोई, तो इट इज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट एल्स? एब्सोल्युटली राइट सर, इट इज नॉट ऑब्वियस, आप सही बोल रहे हैं। आपका नाम सर? माय नेम इज भूपेंद्र अहलावत। भूपेंद्र जी थैंक यू सो मच। एक सेकंड, ये जो आपने जस्ट 10 सर बनाया रावण के, महंगाई है एक बेरोजगारी है, एक भ्रष्टाचार है, अच्छा कोरोना भी है, और कोरोना ज्यादा हंस रहा है, मैं देख रहा हूँ कोरोना खरगोश लग रहा है एकदम, और बीच में ये साहब कौन है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी है क्या? तानाशाह। अच्छा तानाशाह जी, सॉरी। आतंकवाद है, गरीबी है, सांप्रदायिकता है, उत्पीड़न है, नोटबंदी है, सड़क पर इंडिया, संसद में तानाशाह, ऐसा लग रहा है एनडीटीवी का स्लोगन है जी। सड़क पर इंडिया और संसद में तानाशाह जी। मैं कहता हूं कि देश जानता है ताना कौन है, जिसके हाथ में अडानी का बाना है वो ताना है, और शाह तो अमित शाह है, सब जानते ही हैं। मैं ये भी कहता हूं कि आज तानाशाही क्या है, मोदी जी चाहते क्या है, ये नए निजाम का फरमान है, संसद में सवाल पूछना हराम है। अगर सवाल पूछेंगे आप, अगर आपके जुबान मोदी के आगे चल गई तो आपकी जुबान काट दी गई जाएगी। आज राहुल गांधी ने कहा था 15-15, 20-20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाले 146 सांसदों को आपने हटा दिया, इसका मतलब कितने परसेंट लोगों की जुबान को आपने काट लिया है। मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं जो चाहते हैं खेल तो हो लेकिन खिलाड़ी ना हो। मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं जो चाहते हैं खेत तो हो लेकिन किसान ना हो। मोदी चाहते हैं व्यापार तो हो लेकिन व्यापारी ना हो। मोदी जी ऐसे तानाशाह हैं जो चाहते हैं प्रेस तो हो लेकिन सवाल ना हो। मोदी जी ऐसे सांसद हैं जो जानते हैं संसद तो हो पर सवाल ना हो। तो ऐसा घबराया हुआ ये 56 इंच का गुब्बारा जिसकी हवा निकल गई है, मैं कहता हूँ ये 56 इंच का सीना नहीं, 56 इंच का पत्थर है जो देश पर पड़ रहा है। ब्रजभूषण जिसके आभूषण, सेंगर जिसके साथी, टैनी जिसकी माला, वो देश की क्या लाज और क्या विलासा रखेगा साहब, ये अपने आप में शर्म की बात है। मैं शर्मिंदा हूँ कि 10 साल उस शासन में रहा जिसके नायक मोदी रहे, जो थोड़े निकल इनएक्सपीरियंस जो पुलिस वाले, उनको एक्सपीरियंस पुलिस वाले भी समझा रहे हैं कि जंतर मंतर में कैसे बिहेव करना होता है इतनी बड़ी भीड़ में, ये सब भी चल रहा है। मैंने शुरू में देखा एसीपी लेवल टाइप अफसर भी थोड़े परेशान थे कि एग्जिट जहाँ से बनाई वहाँ से एग्जिट ही नहीं हो रही, और फिर एसीपी लेवल के एक एसीपी साहब को बता रहे थे कि यार हम क्या करें, अगर कोई एग्जिट नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं, ये सब भी छुटपुट दिखता रहता है। देश के काले अक्षरों में हाँ लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला घोटा गया है। अच्छा, और ये सरकार जानबूझकर गला और घोट रही है। ये तो ऑपोजिशन हो तो आप तो ऐसी बात करोगे, जनता तक कैसे पहुंचाओगे बात? सरकार में हम लोग भी थे हाँ। सरकार में UPA 1 UPA 2 कांग्रेस भी थी हाँ। मगर आज तक बदले की भावना से, नफरत की भावना से, धर्म के इससे लेके कांग्रेस पार्टी नहीं चली। आप देखिए जो संसद में गाली देते हैं रमेश बिदूड़ी, उनको उन्होंने तो बहुत ही गलत शब्द यूज किया, उनको बीजेपी की तरफ से अवार्ड मिलता है हाँ। उनकी तरक्की होती है, ये बात तो ठीक है। और जो 142 समथिंग नंबर जरूरी नहीं है हो गए हैं हाँ। और जो एक हमारा संसद मंदिर है हाँ। उसमें से उन पुजारियों को क्या ट्विस्ट दिया आपने, सस्पेंड करा गया है। देखिए मंदिर में आदमी पूजा करने जाते हैं, हम लोग भक्त होते हैं मंदिर हाँ। में पूजा करने जाते हैं, उसी तरह संसद का वो पुजारी है, सांसद जो है वो अंदर अपने मंदिर में जाते हैं, लोकतंत्र के पुजारियों को सस्पेंड कर दिया, लोकतंत्र में मतलब सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए कि महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, इसलिए कि वो अडानी के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसलिए नहीं कि वो लोग वेल में आके प्रोटेस्ट कर रहे थे इसलिए उनको सस्पेंड कर दिया। लोकतंत्र में आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, लोकतंत्र में आपका अधिकार है। एक टाइम तक तो था, अब पता नहीं है कि नहीं है, एक टाइम तक तो मोदी जी ने देखिए हिटलर नहीं रहा ठीक है, बड़े बड़े
जो एक होते थे हिटलर शाही अंदाज में वो लोग नहीं रहे, तो ये तो कुछ दिन की बात है भाई साहब। सरकार है, सरकार का तंत्र यूज कर रहे हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर हो। इस मुद्दे पे एक नारा लगा दो फिर और फिर हो गया आपका। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंडिया अलायंस जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। लोकतंत्र को हम खत्म होने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ एक शेर के माध्यम से, ये हुई ना बात, अब मजा आएगा इसमें देख के। शेर सुनाओगे तो इसकी हम युवा, अरे उधर ही रहो, एक सेकंड दोबारा, 1 2 3 इरशाद। हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। बातिल एक गंदी हवा होती है, जैसे बीजेपी कह लो, आरएसएस कह लो, बजरंग दल कह लो, ठीक है। हक के शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे। गर्दिशे वक्त भी आया तो मसल डालेंगे। और हम युवाओं ने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे, बदल डालेंगे। ताली मारो ना। सस्पेंशन पार्टी, जैसा कि किसी ने बोला भाई 140 एमपी सस्पेंड हो गए। हमने कहा हम भी हंसी गुल्ला करें, जब मजाक ही चल रहा है इस देश में तो हम भी थोड़ा मजाक कर लें। आप भी मजाक मजाक में वीडियो देख गए तो सब्सक्राइब कर डालिए, बातें करनी है इस मुद्दे पे तो कर लीजिए। प्रोटेस्ट और अर्सर टी एस आर जी आ गए थे बीच में, कोई नहीं, त्रिपुरा भी कभी कभी न्यूज़ में आ जाना चाहिए। तो मजाक ही चल रहा है तो मस्ती मजाक हम भी करेंगे। बहुत ज़्यादा फोकस, एकदम स्ट्रॉन्ग क्राउड, मतलब क्राउड तो था लेकिन फोकस की कमी तो आपको दिखती ही है कुछ कुछ रैलियों में, कुछ कुछ पार्टियों की। उसको अगर हम नज़रअंदाज कर भी दें तो चल तो मजाक ही रहा है भाई, इतने एमपी सस्पेंड हो जा रहे हैं, हम लोग उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, इतनी बड़ी रैली हो जा रही है, लेकिन कोई मुद्दा समझ नहीं आ रहा है, जनता तक पहुँच नहीं रहा है। आप लोग चाहते हैं कि मजाक फैले और लोगों को पता चले कि हमारे साथ कितना बड़ा मजाक हो चुका है और हो रहा है, तो भाई शेयर कीजिए वीडियो को, थोड़ा इस पे जो आर्टिकल है वो पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह अच्छा लिख, ये मजाक ही चल रहा है। हद हो गई यार, हद हो गई, इतना हॉर्न मार रहे हैं, हमारे साथ मजाक हो गया। कहने का मुद्दा सिर्फ इतना है, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर ये मजाक पसंद आया, अगर आप चाहते हैं कि लोकतंत्र से रिलेटेड ये जो अलोकतांत्रिक बातें हैं ये बातें आप तक पहुंचती रहे, तो भाई सब्सक्राइब, एक सेकंड लिंक ले रहा हूँ यार, तुम भी यार क्या कर रहे हो, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, करिए। भारत एक खोज सीरीज है जिसमें मैं, हम, हमारे और आपके जो सह नागरिक हैं उनकी, उनका जीवन कैसा चल रहा है, क्या सच में जो मुद्दे हैं भारत के, हिंदुस्तान के, इंडिया के, उनको सामने लाते रहते हैं। बाकी जिन पॉलिटिशियंस को इंटरव्यू करना चाहते हैं उनको करते रहते हैं। पसंद आ रहा तो सब्सक्राइब कीजिए, चाह रहे कि ऐसे मुद्दे आगे बढ़े तो शेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा ही प्यार आ गया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, unfilteredhq.com पे सब्सक्राइब कर लीजिए। खत्म, टाटा, गुड बाय, वीडियो सस्पेंडेड।